हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बढ़िया और जीके का टॉपिक है, और ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आइए गंगा नदी के बारे में आज हम ऐसी ऐसी बातें को डिस्कस करेंगे जो 50% बातें ही आपको पता होंगी, सारी बातें नहीं पता होंगी, और सारी बातें जानना ज़रूरी है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले, क्या उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख की गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पहला क्वेश्चन है गंगा के संबंध में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के गंगोत्री से निकलती है, और ये ख़त्म कहाँ होती है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कई लोगों को पता होगा कि गंगा नदी का पानी लोग घर में रखते हैं, कभी भी इसमें कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया उक्टीरिया नहीं होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण गंगा नदी का पानी कभी भी, मतलब इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं, उसका आंसर है गंगा नदी में एक बीषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीषाणु, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक बीषाणु पाया जाता है गंगा नदी के जल में, जिस जो उसमें आने वाले कीड़ों को खा लेता है, और गंगा नदी का पानी हमेशा निर्मल रहता है। ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का पानी यानी जल गंदा क्यों नहीं होता है। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक बीषाणु पाया जाता है जो कि पानी में आने वाले कीटाणुओं को खा के उसे पानी जल को निर्मल कर देता है। और गंगा नदी, क्या गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या होता है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, क्या गंगा नदी की लंबाई होती है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई होती है। लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि गंगा नदी भारत प्लस बांग्लादेश दोनों देशों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। गंगा नदी भारत में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के गंगोत्री से निकलती है, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। तो ये सब पूरी लंबाई है वो 25 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितनी होती है, भारत में गंगा नदी की लंबाई होती है 2071 किलोमीटर। ये याद रखें हमेशा। तो यानी आज हमने गंगा नदी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, जो कि कमेंट करके बताओ, अगर सारे क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि मुझे सारे पता थे। तो गंगा नदी के बारे में क्या क्या पढ़े हमने, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से गंगोत्री से निकलती है, जब निकलती है तो कहीं जाएगी भी, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गंगा नदी का पानी गंदा क्यों नहीं होता, गंगा नदी में एक बीषाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। ये कीटाणुओं को खा लेता है, जब कीटाणु खा मर जाएंगे तो पानी गंदा नहीं रहेगा। और भारत की ये सबसे लंबी नदी होती है, क्या गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होती है। इसकी लंबाई टोटल है, ये कितनी है, ये टोटल लंबाई है कितनी, 25 किलोमीटर, ऐसे याद कर लो 25 25, या 2525 किलोमीटर होती है। और ये पूरे भारत और बांग्लादेश दो देशों में बहती है, तो भारत में इसकी कितनी लंबाई होती है,
भारत में इसकी 2071 किलोमीटर लंबाई होती है। तो ये जीके की वीडियो थी और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अगर कोई कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।